नमस्कार, मैं आशा, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिगलीपुर क्षेत्र में सिर्फ एक सॉमिल होने की वजह से लोगों को हो रही परेशानियों के बारे में। लोगों ने बताया कि जब डिगलीपुर क्षेत्र में 3 सॉमिल चल रहे थे तो लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होती थी, लेकिन आज सिर्फ एक ही सॉमिल चल रहा है, जिसकी वजह से डिगलीपुर क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। हमने इसके बारे में पता लगाया तो मालूम पड़ा कि डिगलीपुर क्षेत्र में एक और सॉमिल द्वारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आवेदन दिया गया है, जिसका नाम व्यापारी वुडन कॉम्प्लेक्स है, जो कि सुभाषग्राम क्षेत्र में है। जब हमने व्यापारी वुडन कॉम्प्लेक्स के मैनेजर से बात की तो यह मालूम पड़ा कि उनके द्वारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 200 रुपए के TR5 बांधा गया है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा उनके मिल का इंस्पेक्शन भी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा मिल चलाने का लाइसेंस इश्यू नहीं किया गया। हमने इस विषय पर वहां के स्थानीय निवासियों और पॉलिटिकल लीडर से बात की। हमारे चैनल के माध्यम से डिगलीपुर की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आशीष बरोई और पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष दीपांकर मिस्त्री ने कहा कि बाकी दोनों 100 मिल भी खुलना चाहिए ताकि डिगलीपुर के लोगों को और सुविधा मिल सके। और लोगों ने बताया कि जो एक 100 मिल चल रहा है, जिसका नाम समरस ट्रेडिंग कंपनी है, जो कि एरियल बी में स्थित है, जिनमें लोगों द्वारा आवेदन देने पर 3 से 4 महीने लग जाते हैं और उनके द्वारा साइज की थिकनेस भी कम किया जा रहा है और लकड़ी के ट्रीटमेंट भी ठीक से नहीं किया जा रहा। लोगों ने कहा बाकी 100 मिल भी जल्द से जल्द खोलनी चाहिए। आइए जानते हैं इस विषय के बारे में न्यूज आप तक के चेयरमैन जे बॉबी के साथ। अभी इस वक्त हम व्यापारी वुडन कॉम्प्लेक्स में खड़े हैं। यहाँ पे जो है ये मिल काफी दिनों से बंद पड़ा था। ये 100 मिल है। इनका कहना ये है कि इनका जो है रिन्यूअल प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो चुका था और इनको इनके द्वारा जो है TR5 भी काट दिए थे, 200 रुपये का TR5 भी काटे थे, परंतु और इसमें जो है ये इंस्पेक्शन के लिए जो है यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के काफ़ी लोग आए थे, स्टाफ लोग आए थे, इंस्पेक्शन किए थे, उसमें बता रहा था कि रेंजर साहब भी थे और बाकी सारे टीम आए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और आके पूरा इंस्पेक्शन किए। सारे देखने के बाद में जो है रिन्यूअल प्रोसीजर में गए और जाके आपका TR5 भी काटे हैं 200 रुपये का। आइए जानते हैं ये फंक्शन कैसे कर रहे हैं। ये देखिए पूरा रेडी करके रखा हुआ है ओनर द्वारा, जो है ये पूरा इसको मिल को रेडी करके रखा हुआ है। हम आपको दिखाएंगे, देखिए ये काट रहा है, सब रेडी है कि रिन्यूअल नहीं किया गया है, उनको लाइसेंस इशू नहीं किया गया है। जैसे कि आप लोगों को दिखाया है, ये पूरा का पूरा 100 मिल जो है फंक्शन हो रहा है और इसमें अभी जो है सिर्फ लकड़ी लाना है और इन लोग जो है स्टार्ट कर सकते हैं और इन लोग वेट कर रहे हैं इनका द्वारा जो है कि कब जो है इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा लाइसेंस दिया जाएगा और उसके बाद से फिर ये यहाँ पे जितने भी लोग हैं पूरे डिगलीपुर में, जैसे कि हम लोग पहले भी बताए हैं डिगलीपुर में सिर्फ एक 100 मिल है, जिससे कि काफ़ी वेट करना पड़ता है लोगों को, काफ़ी महीना वेट करना पड़ता है तभी जाके उनका ज़रूरत का लकड़ी जो है मिल पाता है, क्योंकि एक मिल होने की वजह से पूरा प्रेशर उनके ऊपर है और यहाँ के सारे लोग चाहते हैं कि एक और मिल खुल जाए ताकि जो है यहाँ के लोगों को, डिगलीपुर के सारे लोगों को सुविधा हो सके। तो जैसे कि सब रेडी है तो सिर्फ जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वेट कर रहा है कि कब इनका रिन्यूअल करके इनको लाइसेंस दिया जाएगा। तो हम लोग चाहेंगे कि यहाँ के जितने भी लोग हैं इनसे उनसे जानेंगे ताकि उनका क्या राय है, इसमें ये खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए यहाँ पे एक यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इनसे जानते हैं। पहले बताइए, ये जो मिल है काफ़ी साल से बंद पड़ा हुआ था, मालिक का कहना है कि इन लोग जो है रिन्यूअल के लिए जो है फीस भी बांध चुके थे, 200 रुपये जो है TR5 बांधे थे और इसको फिर भी जो है खोला नहीं गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा इनको लाइसेंस नहीं दिया। तो आप क्या चाहते हैं, ये खुलना चाहिए कि नहीं? सबसे पहले नमस्ते करता हूँ। मैं कृपया स्वागत होता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ, ये खुलने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी हम लोगों को, तो कि हम लोग आज से देखे एक सामान्य एक लकड़ी ले काटने के लिए हम लोग रेलवे जाना पड़ता है। यहाँ से गाड़ी ट्रांसपोर्टिंग 2000 रुपये लेता है, यहाँ से रिटर्न लेके आने 2000 रुपये 4000 रुपये। ये खुल जाएगा तो मेरे को लगभग 2000 बच जाए मेरे को और जल्दी शॉर्टली जल्दी और ईजिली मेरे को लकड़ी मिल जाएगा। मेरे को उम्मीद ज़्यादा है कि जल्दी खुलने से बोले पब्लिक भी अच्छा है, सबके लिए सुविधा रहेगा। मतलब देखिए, आप लोग जब लकड़ी लेने जाते हैं तो आपको कितना वेट करना पड़ता है वहाँ पे, कितना महीना तक वेट कर? तो एक 2-3 महीने नॉर्मल है, तो नॉर्मल चीज़ है, 3 महीने नॉर्मल चीज़, उसके बाद ही मिल रहा है। मतलब आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये खुल जाए? वो जो शुक्र है गवर्नमेंट से एडमिशन, वही मांग पब्लिक मांगा है कि हमको जल्दी से खुल जाएगा, पब्लिक बहुत जल्द सबको सुविधा रहेगा। जब ये चलता था पहले तो यहाँ के लोगों को फायदा होता था? फायदा होता था। तो अभी आप क्या चाहते हैं, ये खुलना चाहिए? ये खुलना चाहिए और जो उधर में जो मिल है
उसमें जाने से एक ऑर्डर देने से 3-4 महीने लगता है और हमारा स्वास्थ्य का लाठी वो नहीं देता, दूसरा लाठी देता है और दाम भी बहुत है। जब ये खुला हुआ था वो टाइम में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जल्द से जल्द खुलना चाहिए? हाँ, जल्दी से खुलना चाहिए, इधर का पब्लिक का सेटलर का फायदा होगा। चलिए इनसे भी जानते हैं ये खुलने से इनको कितना फायदा होगा। ये खुलने से आपको कितना फायदा होगा? ये खुलने से बहुत फायदा होगा। डिगलपुर में एक ही मिल है, अभी इतना डिमांड है, 3 महीना से घूम के एक फायर रोड एक गाड़ी मिला नहीं अभी तक लाइन में, जब भी जा नहीं है। जब ये खुला था तो आप लोगों को सबको यहाँ से सुविधा मिलता था? हाँ, बराबर, कुछ कोई टेंशन नहीं था, तब सब कुछ मिलता था। लेकिन आज का टाइम में एकदम वो एक ही मिल होके ना इतना बड़ा पॉपुलेशन में वो हो नहीं पा रहा है। जैसे कि हमें ये भी खबर मिला है कि वहाँ पे जो साइज काटते हैं उसमें भी कुछ इंच जो है कम देते हैं। हाँ, कम देता है, हम लोग काफी बार देखा। हाँ, एकदम सही है। व्यापारी वुडन कॉम्प्लेक्स का जो मालिक है उन्हीं से बात करते हैं इस विषय में कि ये खुलने से उनको और यहाँ के लोगों को कितना फायदा होगा। सबसे पहले बताइए, एक जब खुला हुआ था तो लोगों को फायदा होता था? हाँ, यहाँ जब खुला था है लोगों को फायदा होता था, तीनों मिल चलता था तो वो टाइम किसी को कोई लकड़ी का डिमांड नहीं होता कि ऑर्डर देता तो एक हफ्ता में 2 हफ्ता में माल मिल जाता, अपना लकड़ी लाके काट के भी लेके जाता 2 हफ्ता के अंदर। जैसे कि आपने हमें बताया कि आप जो TR5 भी बांध चुके हैं 200 रुपये का, तब भी जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जो है आपको लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है? हाँ, हमको हो TR5 काटने के बाद अभी 1 साल होता है, अभी तक इसका ऑर्डर नहीं दिया, उल्टा है लोग रिफंड किया है, रिफंड लेटर दे दिया कि ये रिफंड है करके। जैसे कि आप और बताए कि यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा आके इंस्पेक्शन भी किए थे, तो वो लोग इंस्पेक्शन करके किया इधर। इंस्पेक्शन करने के बाद क्या कहा? इंस्पेक्शन करने के बाद ये TR5 काटा है लोग। TR5 काटने के बाद में 1 साल बाद जब आप गए तो उनके बाद में क्या कहा उनके पास में? अभी जो हो हम लोग को यहाँ DFO नया DFO सब आया, इन्होंने मेरे को जाके हम बात किया तो इन्होंने मेरे को बताया कि आपको ये मिल सकता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का लिस्ट लेके आना, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का लिस्ट भी लेके उनको दिया। उसको देने का 3-4 दिन के बाद ही हमको अचानक बारबेली बोल दिया कि आपको PCCF बुलाया। PCCF सबके पास गया तो क्या कहा? PCCF के पास जाके सारा कुछ पेपर दिखाने के बाद बोला ठीक है अभी क्या करना चाहता है, तो हम बोला देखिए सर ऐसे तो हम गरीब आदमी हैं, अभी कोटा वोटा हमारा है 110 के भी कोटा नहीं चाहिए, सब मिले वाला तो पूछता है कोटा हमको कोटा नहीं चाहिए, हम यहाँ का गरीब जनता जो है उसको अपना लीगल प्रोसेस में जो भी माल लेकर आएगा उसको स्वयं रिसाइन करेगा। तो PCCF साहब बोला एक काम करो इसको रिटर्न में दे दो, रिटर्न में भी उनको दे दिया, उसका कॉपी भी हमारे पास है। ओके, फिर आप इसका करंट बिल भी बांधते होंगे हर माह? अच्छा, ये TR5 होने के बाद ही हम इसको जो है लाइन नहीं था, लाइन ले लिया, अभी हर महीना में आपको 1,000-1,200 रुपया बिल बनता है, वो बिल भी हमारे पास है करंट का। तो ये बताइए उसके बाद में जब DFO अब PCCF साहब से मिले उसके बाद में फिर आप DFO ऑफिस में गए और किसी से बात किए? नहीं, उसके बाद जो है उनके पास जाके हम पूछा था एक बार 2 हफ्ते बाद ही कि हमारा कोई लेटर आया, बोला नहीं आया। ठीक है, तो वहाँ से हमको जब 2 हफ्ते के बाद 1 महीने के बाद ही खबर आया कि है कोई लेटर आया, तो उनको पूछा जाके उनका टिम्बर सेक्शन में, तो उन लोग को बड़ा बाबू से पूछा, उन लोग बोल रहा है लेटर तो आया, उसका जवाब हम लोग बना के दे दिया, लेकिन वो लेटर हमको दिखाया नहीं। हाँ, तो जैसे कि एक रिन्यूअल प्रोसेस होता है उसमें जो है सबसे पहले जो भी है वो उनको अप्लाई करना पड़ता है, अप्लाई इनका द्वारा जो है अप्लाई किया गया है रिन्यूअल के लिए ताकि इनको लाइसेंस मिल जाए, उसके बाद में जो है आपका ये जितना भी ये रिन्यूअल प्रोसेस चलने के बाद में जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा आके यहाँ पे इंस्पेक्शन भी किए, इंस्पेक्शन करने के बाद में जो है इनको इनसे जो है TR5 भी कटे, इनका द्वारा जो है TR5 भी कटे 200 रुपये जो रिन्यूअल फीस होता है वो भी बांधने के बाद में जो है अभी तक इनको लाइसेंस नहीं दे, बता रहा है कि 1 साल हो गया, 1 साल से इनको घुमा ही रहा है मगर इनको लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। लोगों से हम लोग बात किए, सभी लोग यहाँ के जितने भी लोग हैं सब चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द खुल जाए ताकि जो परेशानी हो रही है लोगों को एक मिल की वजह से जहाँ पे मनमानी कर रहे हैं, जैसे कि आपको जितना साइज़ का लकड़ी देना चाहिए वो लकड़ी नहीं देते, जो पसंद का लकड़ी चाहिए होता वो भी नहीं मिलता है, तो फिर भी इनका ये कहना है कि मुझे क्या आप बाहर से जो लकड़ी लेके आएंगे हम उसी को काट के देंगे, हमको कोई कोटा नहीं चाहिए,
इनका सिर्फ ये कहना कि मेरा मिल खुल जाए ताकि उससे जो 2 रुपये वो कमा ले। अभी इस वक्त हम डिगलीपुर के बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पे जो है हमारे साथ में जो है यहाँ के भाजपा के जो है अध्यक्ष आशित बरोई और एक्स अध्यक्ष दीपांकर मिस्त्री और एक्स जिला परिषद मेंबर और यहाँ के जो है डिगलीपुर के वाइस प्रेसिडेंट भाजपा के वो भी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो समरियास मिल चल रहा है जो सिर्फ एक ही है पूरे डिगलीपुर में और दूसरा जो है अप्लाई करके रखा हुआ है। उनका कहना ये है कि उनका जो है रिन्यूअल के लिए सारा प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है और TR5 भी काट दिए हैं परंतु जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा उनको लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में इनसे बात करते हैं कि ये जानने की कोशिश करते हैं कि डिगलीपुर में एक सॉमिल होने से यहाँ का प्रॉब्लम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं इसके बारे में यहाँ इनसे जानते हैं और दूसरा जो है खुलना चाहिए कि नहीं उसके बारे में जानते हैं। चलिए हम लोग आशीष जी से जानते हैं। तो आशीष जी ये बताइए जो अभी एक मिल चल रहा है। नमस्कार। सबसे पहले यहाँ मैं आपको जो अब तक न्यूज़ चैनल है इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग सारे रियल चीज़ को जो है अपना चैनल में कवरेज कर रहे हैं। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ये डिगलीपुर का जो सामरज जो मिल है हमारे यहाँ के एक डिगलीपुर का बहुत जनबहुल एरिया है यहाँ के जो इसीलिए एक सामरस मिल पूरा कवर नहीं कर सकता है। तो हमारे अंडमान के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो हेड हैं यहाँ के PCCF साहब उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे डिगलीपुर के जो व्यापारी वुडन कॉम्प्लेक्स है इनका पेपर वगैरह सारा कुछ रेडी है, इसका मशीनरी भी A to Z रेडी है और इनका पेपर वर्क सब कुछ बन गया है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये TR5 भी काट दिया है जहाँ तक मुझे सुनने आया है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप उनको जल्द से जल्द इसका जो है लाइसेंस आप दे दें हमारा डिगलीपुर के जनता के हित के लिए। और ये जो हमारा व्यापारी अगर मिल यहाँ चालू हो जाएगा तो हमारे बहुत सारे पब्लिक जो है वो मिल से सुविधा ले पाएगा। देखिए मेरा प्रेसिडेंट आशीष जी ने तो बताया और साथ में मेरा जिला परिषद मेंबर बिजन जी साथ में है। एक ही कहना है कि देखिए डिगलीपुर में हर चीज़ के लिए हम लोग को लड़ना पड़ता और एक बहुत बड़ा इशू है कि जो प्राइवेट मिल है वो बंद करके रखा था और इस विषय में वो समय में शायद मतलब आप भी जिला परिषद मेंबर थे, हम लोग एक कोशिश किया था कि उसमें हमारा जो प्राइवेट मिल खाली वुडन फर्नीचर वुडन मिल खाली व्यापारी का नहीं अगर कोई दूसरा भी अप्लाई करे उसको दिया जाए। यहाँ का लोग एक समरेस मिल में जाता है, जाने के बाद में वहाँ का जो थिकनेस है आप देखिए बेटापुर का जो थिकनेस है और यहाँ का थिकनेस है ये बहुत कम है। इसको ये एडमिशन को देखना पड़ेगा इसको लेके, जो गरीब लोग जो भी लेता है अपना पैसा से लेता है तो कम वाला चीज़ क्यों लेगा। और आपका टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा है आदमी को, आदमी जाने से आज नहीं कल, बहुत सा मोदी स्कीम में जो बहुत सा घर हो रहा है उसके लिए हम लोग को रिकमेंड करना पड़ता अलग से। ये जो है प्राइवेट अगर मिल खुलता था तो ये सब चीज़ नहीं होता था, लोगों को बहुत अच्छा से जो है लकड़ी मिलता था। और एक बात है आपका हमारा क्यूबिक हिसाब से जो लकड़ी देता है वो जो क्यूबिक हिसाब से देता है वो आपका पहले हमारा प्राइवेट वालों को भी देता था, आज क्या करता है वो खाली मिल को देता है और बाकी जो यहाँ में लकड़ी आई वो सड़ जाता है सारा। आप लक्ष्मीपुर में जाके देखिए तो जब पहले आप लोगों को दे रहा था लोगों को देना चाहिए और वही चीज़ जो है प्राइवेट इतना मिल अगर खुलेंगे तो प्राइवेट मिल में जाके हम लोग उसको अपना चिराई करके फिर अपना घर में लगा सकता है, बहुत ईजी से काम कर सकता है। इसलिए हमको भी मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन से आवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द उनका जब प्रोसेस पूरा हो चुका है, हम कुछ लोग हैं यहाँ में मुझे तो लगता है मैं देखा भी हूँ कि आपका कुछ लोग ये होने के लिए बाधा सृष्टि कर रहा है, इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आगे ऐसा कुछ ना हो, कोई सस्पेंड ना हो, कोई गलत जगह में ना जाए उससे पहले, पब्लिक अगर कुछ करे उससे पहले आप प्राइवेट जो है उनका ऑर्डर सैंक्शन हो चुका है, मैं आवेदन करता हूँ सारा मिल जो है खुले और पब्लिक को हेल्प हो। कितने दिन वेट करना पड़ता है एप्लीकेशन देने के बाद? एक्चुअली एप्लीकेशन देने का बाद में 3 महीना 6 महीना वेट तो करना पड़ता ही है। दूसरी विषय है जो लोगों को जो सामान चाहिए होता है प्राइवेट लोगों को मेन करके कैटेगरी 2 का लकड़ी चाहिए होता है जिसमें पेमा आता है, चुकलुम आता है, आपका ब्लैक टिंगम आता है, तो इस तरह का जो जो लकड़ी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिल को ये लकड़ी फुलफिल सफिशियंट देता नहीं है। ये लकड़ी को उठा के चाटा मिल में लेके जाता है या बेटापुर मिल में लेके जाता है और डिगलीपुर का लोगों को 2 पीस 4 पीस आधा क्यूबिक लकड़ी के लिए बेटापुर से लकड़ी लेना पॉसिबल नहीं होता।
यहाँ पे हमारा समरिस मिल में खास करके आपको जो गर्जन है, सॉफ्टर वुड है, आपका पीपक है, डीडू है, इसी लकड़ी से आप जाके देखिए वही लकड़ी बड़ा पड़ा है। कैटेगरी टू जो प्राइवेट लोग थोड़ा अपना पूरा जिंदगी भर का मेहनत करके जो घर बनाएगा उनको लकड़ी चाहिए होता है, उनको लकड़ी नहीं मिलता और चाहिए रहता पब्लिक को, वो नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो भी है, आप कम से कम हमारे डिगलीपुर इतना बड़ा एरिया है, आप गर्जन तो देता है, सॉफ्टवेयर रूट देता है, लेकिन कैटेगरी टू का लकड़ी भी आप दे दो, लोगों का काम आ सके। तो आज का दिन में डिपार्टमेंट में भी आपका गर्जन नहीं चलता, बाकी लकड़ी नहीं चलता, कैटेगरी टू का लकड़ी देना पड़ता है, बिल देना पड़ता है। तो कॉन्ट्रेक्टर का भी प्रॉब्लम है, गाँव का लोगों का भी प्रॉब्लम है, हर जगह में प्रॉब्लम है। और जब हमारा यहाँ में पॉपुलेशन कम था आज से 15 साल पहले, तब हमारा डिगलीपुर में 300-300 मिल चलता था, और आज का दिन में इतना पॉपुलेशन है, आज हमारा यहाँ एरिया में सिर्फ एक ही समरेस मिल चलता है। आप क्या चाहते हैं तीनों खुले? मेरा पहला मानना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोगों को जो लकड़ी चाहिए वो लकड़ी यहाँ में फुलफिल करे, और लोगों के लिए तीनों मिल खोल दे कि लोग एक लकड़ी के लिए 6 महीना 1 साल का वेट ना करना पड़े। और पैडक लकड़ी जो है जो सिर्फ बेटापुर में दिया जाता है, बीच में हम लोग पॉलिटिशियन लोग थोड़ा हंगामा करने का बाद में डिगलीपुर में थोड़ा सा पैडक लकड़ी दिया है, तो वो पैडक को भी यहाँ में फुलफिल कर दे। यहाँ का रिक्वायरमेंट यहाँ के ही लकड़ी काट के मायाबंदर चले जाता है, बेटापुर चला जाता है, लेकिन हमारे लोगों को लकड़ी नहीं मिलता। तो इसको डिपार्टमेंट देखे और बहुत जल्द इसको पूरा करे। धन्यवाद आशीष जी। और एक बात बताइए, जैसे कि एक शिकायत हमारे पास ये आया था कि ट्रीटमेंट के नाम पे इन लोग जो है काफ़ी पैसा ले रहा है और ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे जहाँ तक खबर मिला है, जो यहाँ के जो समरेस मिल है यहाँ पर अच्छा तक प्रॉपर से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। और एक बात भी सुनने भी आया है, जो थिकनेस में यहाँ जो लकड़ी हमें चाहिए है वो आपका जो हमको फुल मेजरमेंट में लेके आने के लिए वो हमारा थिकनेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इसके लिए भी हमारा डिपार्टमेंट से एक इंक्वायरी करने की भी ज़रूरत है। यहाँ का यहाँ में हमारा जो खास करके हमारा डीओपो सर है, खास करके नॉर्थ एंड मिडिल अनुमंडल डीसी है, इनका पास में भी एक डिमांड है कि प्रॉपर जो हमारे गरीब आदमी जाते हैं मिल पे, उनको सही दाम ले और उनको सही लकड़ी भी मिले, और साथ ही साथ इसका भी प्रॉपर से ट्रीटमेंट भी हो जल्द से जल्द। हमारा बात यही है जे हम लोग सोचता है जे इधर का जो आदमी है, हमारा डिगलीपुर का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये शिकायत हॉट टाइम समरेस मिल का एग्नेस्ट हॉट टाइम शिकायत रहता है। इसका सही सलामत से पब्लिक लोग ठीक मतो सही सलामत से लकड़ी नहीं मिलता है। हम चाहता है जे जो लोग एप्लीकेशन किया जे हमारा मिल खुल जाए, ये होने से हमारा पब्लिक का प्रोवाइड होगा। हम चाहता है जे सारी मिल खुल जाए और हमारा पब्लिक प्रोवाइड हो जाए, और जो बेटापुर में जो मिलता है वो सही सलामत मिलता है, उसका कोई शिकायत नहीं रहता है। हमारे समरस का एग्नेस्ट बहुत शिकायत है, हम चाहता है जो शिकायत होना नहीं चाहिए, इसका सही सलामत से आदमी लोग को सही सलामत से लकड़ी मिलना चाहिए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।